5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 48 सालों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम ना करते हों तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 साल में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था, इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने का नक्शा हम सोच रहे हैं। सभापति महोदय,
वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। ऐसी हालत में मैं अनुभव करता हूँ कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस पर अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। मैं जहां तक समझ पाया हूं हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ है, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। आज जब हम नागरिक सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती है, प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की अपनी सत्ता में रहकर सुरक्षित रहना चाहता है। हमने इस बात की सुरक्षा अपने संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए, मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नज़रबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ही अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी आज भी स्मरण रखते। उन्होंने एक बात कही कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भोंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि इस प्रकार की परिस्थिति देश में पैदा हो जाए, राजनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश हो, सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, उनका डटकर मुकाबला करते हुए यदि हम अपनी जनता की सुरक्षा की गारंटी दे सकें और सुचारू रूप से अपने आर्थिक कार्यक्रमों को चला सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है।